की ओर आगे बढ़ते हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि विश्वास कैलाश सारंग की कार का एक्सीडेंट हुआ है। देर रात टीकमगढ़ से लौटते समय ये हादसा हुआ। बता दें कि डिवाइडर से कार टकराने से ये हादसा हुआ है। हादसे में आपको बता दें कि बाल बाल बचे हैं। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग, आपको बता दें कि हादसे के समय परिवार के साथ थे मंत्री सारंग। तो विकास यात्रा कार्यक्रम से भोपाल लौट रहे थे मंत्री सारंग। तो ये दुखद जानकारी सामने निकल कर आ रही है भोपाल से। बता दें कि विश्वास कैलाश सारंग की कार का एक्सीडेंट हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमृतांशी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमृतांशी का रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमृतांशी, बड़ी जानकारी देखिए सामने आ रही है, विश्वास कैलाश सारंग की कार का एक्सीडेंट हुआ है, देर रात की घटना बताई जा रही है। फिलहाल क्या स्थिति है उनकी, कोई जानमाल का नुकसान? देखिए, फिलहाल सबसे अच्छी खबर तो यही है कि मंत्री को कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि मंत्री का परिवार इस दौरान उनके साथ था, वो लोग टीकमगढ़ से वापस लौट रहे थे पूरे परिवार के साथ। उनकी जो धनपत्नी है वो भी इस दौरान मौजूद थी। लेकिन सबसे अच्छी खबर फिलहाल यही है कि कोई भी जान माल का नुकसान इस दौरान नहीं हुआ है। विश्वास सारंग जी की अगर हम बात करें, कार का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन टीकमगढ़ से लौटते वक्त जो अपने प्रभार के जिले से वो लौट रहे थे, क्योंकि देखिए विकास यात्रा लगातार अलग अलग जगहों पर जारी है और विकास यात्रा से वो लौट रहे थे और यहाँ पर उनकी कार का अचानक एक्सीडेंट हुआ। कार उनकी डिवाइडर से टकरा गई थी। फिलहाल राहत भरी खबर यही है कि उनके कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा है। और इससे पहले भी अगर हम देखें तो इससे पहले भी कुछ ही महीने पहले गुजरात से लौटते वक्त, गुजरात के प्रवास के दौरान भी उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। तब भी हालांकि जो है अच्छी बात यह रही कि उस दौरान उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। और फिलहाल यही अच्छी खबर है कि उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि जो है ये बताया जा रहा है कि डिवाइडर से जो है देर रात होने के कारण कार टकरा गई थी। ठीक है, कुछ विजिबिलिटी। ठीक है अमृतांशी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।